हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एंड सेकंड फंक्शन है जी ओ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस फाइव। फाइंड एफ ऑफ फाइव बाई फोर, ये हमको फाइंड करना है एफ ऑफ फाइव बाई फोर का वैल्यू। जी ओ एफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज गिवन टू यू एज फोर एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस फाइव। अब यदि ये जो फंक्शन है इसमें जी, इसमें भी मैं एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एफ एक्स रख देता हूँ तो ये भी मेरा जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। तो ये मेरा बनेगा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस वन, राइट। अब ये दोनों फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स है तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस फाइव। अब ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसको देख के क्या लग रहा है, फोर एक्स स्क्वायर को देख के क्या लग रहा है, ये एफ एक्स फंक्शन किस टाइप का हो सकता है, ये लीनियर होगा कि क्वाड्रेटिक होगा। लीनियर का स्क्वायर करते हैं तभी तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब ये जो एफ एक्स है वो एफ एक्स लीनियर टाइप का एक्सप्रेशन होगा। एक क्ल्यू तो हमको ये मिला यहाँ पर। दूसरा क्ल्यू हमको ये मिला कि यहाँ पर एफ एक्स के अंदर एफ एक्स का वैल्यू में टू एक्स पक्के से आएगा, क्योंकि 2x प्लस समथिंग का स्क्वायर करते हैं तभी तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर वाला टर्म मेरा आएगा। तो मैं fx को अज्यूम कर रहा हूँ 2x प्लस k, तो जहाँ जहाँ fx है वहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2x प्लस k, मुझे नहीं पता k कितना है, प्लस 2x प्लस k माइनस वन विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस फाइव। अब ये मेरा हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस फोर एक्स के प्लस टू एक्स प्लस के इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा। ये मैंने माइनस वन को इधर शिफ्ट कर दिया, ये फोर एक्स स्क्वायर से फोर एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मेरा इन दोनों में x मेरा कॉमन है, तो यदि मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे को क्या मिला, 4k प्लस टू प्लस k स्क्वायर प्लस k विल बी इक्वल टू माइनस टेन एक्स प्लस सिक्स। अब यहाँ पर x का कोफिशियंट कौन है, 4k प्लस टू, और इधर भी x का कोफिशियंट कौन है, माइनस टेन, तो ये 4k प्लस टू किसके इक्वल होगा, माइनस टेन के, तो 4k इक्वल टू बनेगा माइनस ट्वेल्व, k इक्वल टू बन जाएगा माइनस थ्री। k का वैल्यू आ चुका है तो मेरा एफ एक्स जो मैंने अज्यूम करा था 2x प्लस k अज्यूम करा था मैंने, सॉरी एफ एक्स को मैंने 2x प्लस k अज्यूम करा था, लीनियर था ये, तो ये 2x माइनस थ्री हो गया। और मुझे फाइंड क्या करना था, f ऑफ 5 बाय 4, तो जहाँ पर x है वहाँ पर लिखूँगा मैं 5 बाय 4 माइनस 3, सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा माइनस 1 बाई 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।